की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आरिफ आम वाला, निसार फल वाले। दरअसल कावड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ठेले पर टंगवा दिए हैं दुकानदारों के नाम, जिसके बाद सियासी गलियारों में जबरदस्त हलचल मच गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इससे मुसलमानों का आर्थिक रूप से बहिष्कार किया जा रहा है, क्या यूपी में मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। ये सारे सवाल जो है वो विपक्ष उठा रहा है। इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष ही नहीं बल्कि एनडीए खेमे में भी दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। खुद बीजेपी के वरिष्ठ मुस्लिम नेता ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों को घेरा था, हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गए और फिर उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आस्था का सम्मान होना चाहिए लेकिन अनटचेबिलिटी का संरक्षण नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पंक्तियां लिखते हुए कहा कि जन्म जात मत पूछिए। नकवी ने भले ही अपने पोस्ट में कहीं भी कांवड़ यात्रा या फिर दुकानदारों के नामों का लिखे जाने का आदेश का जिक्र नहीं किया हो, लेकिन पोस्ट से साफ जाहिर हो रहा था कि दुकानदारों के नामों पर उपजे विवाद पर उनका दर्द झलक रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जैसे ही उनका ये पोस्ट जो है वायरल हुआ, वैसे ही जो है उनको ट्रोल भी किया जाने लगा, जिसके बाद उन्होंने ट्रोल का खंडन भी किया और ट्रोल को बहुत ही करारा जवाब भी दिया। अब आपको बताते हैं इस पर विपक्ष के बड़े बड़े नेता क्या कह रहे हैं। और सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हुआ क्या है। दरअसल पुलिस प्रशासन के इस कदम का समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी चीफ मायावती समेत कई विपक्षी नेता खुलकर विरोध जता रहे हैं। अखिलेश यादव ने आदेश को लेकर एक अखबार में प्रकाशित खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर कहा कि और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है उसके नाम से क्या पता चलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर जिला के कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि के दुकानदारों के मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश एक गलत परंपरा है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है। जनहित में सरकार इसे तुरंत वापस ले। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर कहा कि यूपी सरकार अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस संबंध में लिखित आदेश जारी करने की चुनौती दी। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण आदेश करार दिया और आरोप लगाया कि यह दर्शाता है कि सरकार उत्तर प्रदेश और पूरे देश में मुसलमान को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। ओवैसी ने यह भी कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं, यह संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है जिसमें अनटचेबिलिटी की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश सरकार अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रही है। आदेश दिए जाने के बाद से मुजफ्फरनगर में ढाबों के मालिक ने मुस्लिम कर्मचारियों को हटा भी दिया है। ये मुसलमानों के साथ स्पष्ट भेदभाव है, संविधान की भावना को ठेस पहुंचाई जा रही है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। दरअसल 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में खाने पीने और फल की दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने अपने अपने नाम लिखकर टांग दिए, जिसके बाद से इसका जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। दरअसल पुलिस ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों को निर्देश दिया था कि वो अपनी अपनी दुकानों पर काम करने वालों का नाम जरूर लिखें, जिससे कांवड़ियों में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न हो। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा का करीब 240 किलोमीटर का रूट पड़ता है, इसलिए ये काफी अहम जिला है। यहाँ पुलिस के निर्देश के बाद दुकानों ने अपने अपने नाम के साथ किस चीज की दुकान है उसका नाम लिखकर पोस्टर लगा दिए। किसी ने अपने ठेले का आरिफ आम वाला तो किसी ने निसार फल वाला की पर्ची लिखकर टांग दिया, जिसके बाद इसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और उसके बाद तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। वहीं एनडीए के घटक दल के भी कई नेता इसके खिलाफ हैं और बताया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ ये एक तरह का षड्यंत्र है और ऐसा
नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सौहार्दपूर्ण माहौल में इससे बिगाड़ पैदा हो सकता है और स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। क्योंकि कई लोगों का ये भी कहना है कि जहां फल से मतलब है, लोगों से क्या मतलब है, या फिर जो भी सामान खरीदना चाहते हैं उनको सामान से मतलब है या लोगों के नाम से मतलब है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार इसे एक तरह का ये बता रही है कि ताकि कांवड़ के अंदर में किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना पैदा हो कि वो किससे लेना चाहते हैं किससे नहीं लेना चाहते हैं सामान। तो ये अपने आप में बड़ा मसला है इस पूरे मामले पर। दोस्तों आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।